बिग बॉस ओरडी के सेट से इस वक्त आ रही है सबसे मेजर अपडेट। जी हाँ, आखिर कौन है इस सीजन का पहला कैप्टन? वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। आप सभी को बता दें कि पहले कैप्टन की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन घर के अंदर जो बातें, देखिए बिग बॉस जो है वो बड़े शातिर हैं, वो अपने हिसाब से कई बार चीजें म्यूट कर देते हैं, कई बार चीजों की आवाज जो है वो गायब कर दी जाती है ताकि मेन एपिसोड में ये सस्पेंस खुल सके। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त घर के अंदर सभी ये कह रहे हैं कि फलक अपने आप को क्या समझती है, फलक कैप्टन बनकर घूम रही है, फलक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की कई बातें हो रही है। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए, इन्हीं बातों की तरफ देखते हुए सोशल मीडिया पर फलक नाज को कैप्टन घोषित कर दिया गया है, इस तरह की खबरें जो है वो वायरल हो रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हर तरफ एक्सक्लूसिवली ये बातें चल रही हैं कि फलक नाज इज द फर्स्ट कैप्टन। जी हाँ, फर्स्ट ऑफिशियल कैप्टन ऑफ बिग बॉस, ऑफ कोर्स बिग बॉस ओटीटी। और ये जो बातें हैं ये फैंस को काफी ज्यादा हैरान कर रही हैं, और हैरान वैन ऐसे कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि फलक, अगर आप ध्यान दें तो 3 दिन हो गए हैं बिग बॉस शुरू हुए, और इन 3 दिनों में फलक काफी कम नजर आई हैं घर के अंदर। सिर्फ जब पुनीत बहुत ज्यादा इरिटेट और अनॉय कर रहे थे बाकी घर वालों को, उस वक्त फलक नजर आई थी काफी अग्रेसिव होती हुई पूजा भट्ट के साथ, मतलब पूजा और फलक मिलकर आवाज उठाती नजर आई थी, बट उसके अलावा फलक ऐसे ज्यादा नजर नहीं आई है। अब घर के अंदर बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रोमांस करने में बिजी हैं, सबकी जो है लव स्टोरीज, एक एक का एंगल चल रहा है, किसी का एक्स एंगल चल रहा है, किसी का प्रेजेंट, किसी का पास्ट एंगल चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों की स्टोरीज में सिर्फ एज अ ऑडियंस है घर के अंदर भी, साइरस, पूजा भट्ट, फलकनाज, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकियों की स्टोरी में बीच में ऑडियंस बनकर सब सुन रहे हैं कहानियों को। तो ऐसे में फलक का कैप्टन बन जाना काफी हैरानी वाली बात है। कई सारे लोग घर के अंदर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि फलक अभी तक कैप्टन बनी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि घर की पहली कैप्टन फलक बनने वाली है। क्यों? क्योंकि सबके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, बात सबके साथ हो रही है उनकी, उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा लीडरशिप वाली चीजें जो है वो उनमें दिख रही है, साफ सफाई करवाने से लेकर हर चीज में सबसे पहले वो काम कर देती है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग, मुझे लगता है कि फलक को ही कैप्टन बनाएंगे। आपका इस पर क्या है कहना?